यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने अभी अभी एक डंजन्स का वीडियो शूट किया था और मैंने बाद में देखा, जब मैं एडिट करूँगा मैंने वीडियो ओपन करने की कोशिश किया, पर उसके बाद मुझे पता चला कि वीडियो में कोई ग्लिच है, इसलिए वीडियो ओपन नहीं होगा और इसलिए ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ख़त्म, पूरा ख़त्म, ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म। मतलब क्या है भाई, क्या है मतलब ऐसा ग्लिच क्यों होता है? पता नहीं गाइस, तो आज के वीडियो के आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर डैमेज। सो गाइस, अगर मैं सच बोलूँ तो इन डैमेज इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आप लोग चाहिए टैलिस्मैन, एक्सेसरी बैग में बहुत सारा टैलिस्मैन, ठीक है गाइस। सो एक्सेसरी बैग में टैलिस्मैन नहीं होगा तो किसी काम का नहीं। और अगर एक अच्छा एक स्वॉर्ड चाहिए होगा, मेरे पास एस्पेक्ट ऑफ द एंड है, तो अगर मैं बिना टैलिस्मैन का आप लोगों को डैमेज दिखाऊँ तो एक मिनट, टैलिस्मैन निकाल के ग्रेवयार्ड में आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रेवयार्ड में और मेरे पास अभी कोई भी टैलिस्मैन नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ प्रूफ के लिए। तो ये मैं गया, एक्सेसरी बैग पूरा खाली है गाइस, देखिए। और ये मैं एस्पेक्ट ऑफ द एंड से डैमेज करूँगा 993 का। क्रिटिक डैमेज भी अगर देख लिया जाए तो इसको मारते हैं। हाँ, सो 2K इसका क्रिटिक डैमेज है, 2.6K। और इसका एबिलिटी मतलब उसका क्रिटिक डैमेज था 2.6K, और अब मैं करूँगा एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन से और इसका क्रिटिक डैमेज है 8.5K। हाँ, 8.5K इसका क्रिटिक डैमेज है। और अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टैलिस्मैन के साथ क्या होता है। सो गाइस, अभी मिलते हैं फिर से ग्रेवयार्ड में टैलिस्मैन के साथ। सो गाइस, अभी हम लोग फिर से ग्रेवयार्ड में आ चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो, अरे भाई मत मार। हाँ, तो अगर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखिए, मेरा एक्सेसरी बैग फुल टैलिस्मैन से भरा हुआ है। और कौन सा टैलिस्मैन है वो आप लोगों को स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, मैं एक मतलब अलग से एक पिक्चर डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर जिससे आप लोग दिखेगा। तो अब मेरा डैमेज देखिएगा इस, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये देखिए 9.8K। और अगर मैं इसके ऊपर, अगर स्वॉर्ड के ऊपर अगर आप लोग फैबलेट भी लगाते हो और उसके बाद क्रिटिकल 6 और शार्पनेस 6 भी लगा लेते हो तो इसका डैमेज गाइस डेंजरस हो जाएगा, डेंजरस मतलब शायद से 10 या 12 किट देने वाला है। और अगर आप लोग के पास रीपर आर्मर है या क्या कहते हैं उसे, और एक एंडरमैन का जो आर्मर होता है ना गाइस, मैं भूल गया नाम, तो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वो वाला आर्मर अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग बहुत ही ख़तरनाक वाला डैमेज कर सकते हो। सुपीरियर है तो भी बहुत अच्छा डैमेज होगा गाइस, सुपीरियर से तो और भी अच्छा होगा अगर AOTD है तो। गाइस, ये टैलिस्मैन का ही सबसे अच्छा ट्रिक होता है गाइस अपना डैमेज इंक्रीज करने के लिए। और स्वॉर्ड में फैबलेट लगा सकते हो, मैं वो भी बोलूँगा कैसे, मेरा अभी पैसा तो नहीं है तो मैं खरीदूँगा नहीं, पर कहाँ से लगाना है ये मैं बोल सकता हूँ। ये जो ऑडिटाइज ऐसा ही कुछ नाम होगा, हंसना मत गाइस, मुझे स्पेल करना नहीं आता, जो भी हो। तो ऑडिटाइज ये जो है, यहाँ पर आप लोग लो रिफोर्स स्टोन में जाके ये ड्रैगन क्लॉ है ना 104K का, इसको लेना है, लेके आप लोगों को सीधा जाना है ये ब्लैक स्मिथ के पास और फिर करना है यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ देकर, और नहीं शायद से इसको यहाँ देना पड़ता है, और यहाँ पे वो वाला ड्रैगन क्लॉ देकर इसको कंबाइन करना है, इसका कॉस्ट आएगा 1 मिलियन। ओके गाइस, सो ऐसे ही आप लोग अपना डैमेज इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप लोग 7 to 10 मिलियन हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ से ये रिकॉम्बोबुलेटर ले लो, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा ये वाला ले लेना, तो इससे आप लोगों का डैमेज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप लोगों का स्वॉर्ड मिथिक में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपना डैमेज बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हो। और गाइस, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि
इस वीडियो में 10 लाइक के एम अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट कमेंट आएगा उस बंदे को मिलने वाला है ये आर्मर का सेट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये स्ट्रॉन्ग ड्रैगन का फुल आर्मर का सेट में देने वाला होगा। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है और उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत इंचैंटमेंट भी किया हुआ है, तो इसको मैं देने वाला हूँ। गिव अवे है तो जो फर्स्ट कमेंट आएगा उसको मैं दे दूंगा गाइस। ठीक है गाइस, तो ओके गाइस, गुड बाय।